नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। वीटो लोशन से सफेद दाग से मिलेगा छुटकारा, स्किन की सभी बीमारियों से दिलाएगा निजात। वीटो लोशन अब आपके शहर में। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। योगी सरकार भले ही कानून व्यवस्था ठीक होने के बड़े बड़े दावे करती हो, लेकिन अपराधी आए दिन घटना को अंजाम देकर कानून व्यवस्था को खुली चुनौती देते हैं। ताजा मामला कौशाम्बी जिले के सराय अकेल थाना क्षेत्र के बरई बसुहार गांव का है, जहां आज सुबह जब किसान अपने खेतों में काम करने गए तो एक किशोर का शव देखकर सन्न रह गए। शव मिलने की सूचना से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। इसकी जानकारी होते ही घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। गांव के लोगों ने शव की शिनाख्त आनंद मोहन के रूप में की, लेकिन 3 घंटे बीत जाने के बाद भी जब घटनास्थल पर पुलिस नहीं पहुंची तो ग्रामीण आक्रोशित हो गए। घटनास्थल पर पहुंचे चायल सीओ के समझाने पर ग्रामीण शांत हुए। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो मामला मंगलवार की शाम का है। घर के बाहर बैठे आनंद मोहन को 2 बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने तमंचे की नोक पर जबरन अपहरण कर लिया था। पिता कृष्णकांत ने इसकी सूचना तत्काल सराय अकील पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। पिता कृष्णकांत को सराय अकील इंस्पेक्टर ने थाने से यह कहकर भगा दिया कि आपने लड़के को मारा पीटा होगा, इसलिए वो कहीं चला गया होगा, गुस्सा शांत होने पर वापस आ जाएगा। पिता ने थानेदार के सामने अपनी मिन्नत की, रोया गिड़गिड़ाया, लेकिन पुलिस पर कोई असर नहीं हुआ। बाद में पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज की, लेकिन छानबीन करना भूल गई। पिता का आरोप है कि पुलिस ने अगर समय रहते कोई काम कर लिया होता तो शायद आज उनका लड़का जिंदा होता। अपहरण के बाद फिरौती की रकम की मांग न होना और किशोर की गला रेत कर हत्या करना किसी दुश्मनी की ओर इशारा करता है, लेकिन पिता कृष्णकांत किसी से दुश्मनी होने का बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। इस मामले में चाइल्ड सीईओ एसएस ग्रोवर का कहना है कि मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। का मामला कंफर्म आप यही है कि हमारे बच्चे को उठा लिया गया यही हमारे दरवाजे से, 30 मीटर की दूरी पर हमारा बच्चा था घर से, सामने से ही शाम को मोटरसाइकिल से अगवा कर लिया गया। थाना सरायकिल में मैं सूचना अगवा की लिखाने गया तो उन्होंने तहरीर बदल के उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी और ये कहते रहे कि बच्चे को आपने प्रताड़ित किया और बच्चा आपका भाग गया, 2-4 दिन के बाद बच्चा आपका वापस आ जाएगा। हम आज क्या हुआ? आज तो सुबह 8 बजे उसकी डेड बॉडी मिली और इनको सूचना देने के बाद भी ये 8 बजे सूचित उनको करते हैं, एसपी कौशाम्बी को भी सूचित करते हैं, उन्होंने ये रिस्पांस दिया कि हाँ पुलिस पहुंच रही है। 1 घंटे 1.5 घंटे जब बीत गए कोई नहीं गया तो फिर हमने एसपी कौशाम्बी को फोन किया, उन्होंने कहा कि बस तुरंत पहुंच रहे हैं। मुश्किल से 800 मीटर की दूरी है थाना सरायकेल के घटनास्थल की, 3 घंटे लग गए, 2.5 घंटे इनको आने में, तो ये पुलिस की ही लापरवाही के कारण इस तरीके का क्राइम हुआ। नाम बता दीजिए।